एवरीवन, दीप थापल है। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से टेक्स्ट के अंदर वीडियो चला सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। तो उसके बाद हमने जाना है टेक्स्ट क्रेडिट में, तो वहां से हम अपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट वाली लेयर पे, टेक्स्ट ओपनर पे हम डबल क्लिक करेंगे। वहां पे जाएंगे एडवांस वाले टैब में, तो वहां पे हमको दो लेयर नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट कर देंगे यहां से। तो ये वाली भी नहीं चाहिए तो इसको भी हम यहां से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारी मेन एक टेक्स्ट वाली लेयर रह जाती है, उसको हम यहाँ से रीसाइज़ करेंगे कुछ इस तरह से। ओके, उसके बाद हम यहाँ से अपने फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे जो भी इस टेक्स्ट के हिसाब से मैचेबल होंगे। आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाले आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना चैनल का नाम, जो भी आपके YouTube चैनल का नाम है, या कुछ भी लिख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आप कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको रीसाइज कर दूँगा। आप जितना भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए आप उतना रख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर कलर वाले टैब में जाके यहाँ से कलर इसका वाइट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको सिंपली ओके कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से भी इसको ओके कर देंगे। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि ये ऑन है तो इसको ऑफ रखना है। उसके बाद हम ऊपर वाली लेयर को डिलीट कर देंगे सिंपली। तो हमारे टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखेंगे। उसके बाद सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आप यहां से देख लीजिए आपको कहां पे ये सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे ही रखूंगा सिंपली इसको। तो उसके बाद आप यहां से इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट छोड़ रहा हूं इसको, तो मैं सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो ये हमारी एक वीडियो बन के जो तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो इस वाले ओपनर वाले को हम डिलीट कर देंगे ओपनर टेक्स्ट को, और वहाँ पर चले जाएँगे मीडिया वाले ब्राउज में, और वहाँ से हम वही वाली वीडियो जो हमने अभी एक्सपोर्ट की है उसी को हम इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये वाली हमारी वीडियो थी, हमने डेस्कटॉप पे रखी थी। तो ये वाली इसको मैं सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ये वाला नाम था इसका, तो इसको हम सिंपली यहाँ से ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमें इंपोर्ट करनी है एक और वीडियो, जो टेक्स्ट के हमने अंदर वीडियो चलानी है, यानी कि बैकग्राउंड वाली वीडियो। तो हम डाटा में जाएँगे स्टॉक वीडियो, तो वहाँ से हम कोई भी अपनी वीडियो जो आप इसके अंदर चलाना चाहते हैं वो सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले वाली टाइमलाइन पे हम वही वीडियो रखेंगे जो बैकग्राउंड में हमने चलानी है इसके, यानी कि टेक्स्ट के अंदर चलानी है। तो दूसरे वाली लेयर पे हम पीआईपी लेयर में, पिक्चर और पिक्चर वाली लेयर में हम वो वाली वीडियो रख लेंगे जो हमने अभी एक्सपोर्ट की थी टेक्स्ट वाली वीडियो। तो उसके बाद हमें नीचे वाली जो पिक्चर और पिक्चर पीआईपी वाली लेयर है उसको हमने सेलेक्ट करके टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करना है। नीचे सिंपली हमें जाना है ग्रीन स्क्रीन वाले आइकन पर। उसके बाद हमें यहाँ पे चेक कर देना है। तो उसके बाद हमें ढूंढना होगा हमारे टेक्स्ट का कलर क्या है। टेक्स्ट का कलर है वाइट। जैसे ही हम माउस को ऊपर लेके जाएंगे तो हमें पेंसिल वाला आइकन बना दिखाई देगा, तो उसको हम सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो वाला कलर रिमूव हो जाएगा। यहाँ से हम इसका इंटेंसिटी लेवल बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जितना आपको चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर लीजिए। उसके बाद हमें शेडो वाला ऑप्शन दिखेगा, तो शेडो का कोई मेन इतना काम है यानी, इसको हम जीरो पे रख देंगे। अगर शेडो ज़्यादा करेंगे तो ये कुछ इस तरह, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है तो शेडो हमें दिखाई नहीं देगी, इसलिए हम इसको जीरो कर देते हैं। उसके बाद बॉर्डर वाला एरिया आ जाएगा। बॉर्डर वाले एरिया पर आपने जाके उसको वहाँ पर अप्लाई टू बॉर्डर क्लिप क्लिक कर देना है। और उसके बाद इसकी जो डिस्टेंस है उसको हम, यहाँ पर तीन है तो हमने दो कर देना है। तो उसके बाद सिंपली हम इसको ओके कर देंगे। तो अब हम यहाँ से प्ले करके देखेंगे, हमारे टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और कमेंट करके ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।